आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर, जिसके लिए कढ़ाई ले और उसमें पनीर डाले और क्या बना, फिर से ना होगा, तेल डालो कढ़ाई में, ऐसे नहीं बनता है कढ़ाई पनीर। तेल गरम हुआ, अब इसमें डालेंगे साबुत धनिया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन डालने के बाद में अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक, हाँ हाँ डालो, सब डालो। अब डालेंगे प्याज, मोटे मोटे कटे हुए, ज़्यादा मोटे भी नहीं, नॉर्मल कटे हुए हैं, तो मोटे काट लेना। ओहो कितना मोटा पाव रखा है। शिमला मिर्च, नो बॉडी शेमिंग। हाँ हाँ हाँ, शिमला मिर्च काटेंगे क्यूब्ड। उफ, क्यूब्ड। अब हमने डाला सॉल्ट स्वाद अनुसार और लाल मिर्च मन अनुसार, और किसी को मिर्चियाँ लगानी है तो भर भर के। ओ यस, और ये हमने डाला थोड़ा सा किचन किंग मसाला, सीक्रेट है ये। अब हम इसको थोड़ी देर सौते करेंगे, अब डालेंगे होममेड टमाटो प्यूरी। मार्केट वाली डालनी हो तो डाल लेना, लड़ाई आमद का नाम से है। बहुत बोलती है ना ये, देखो बोले जा रही है नॉनस्टॉप, सांस भी नहीं ली इसने। ये हम रेसिपी रिकॉर्ड ही बोलने के लिए कर रहे हैं। कसूरी मेथी डाल दी, तुम मिस कर रही हो। अब हमने क्या डाला है, ये दही, मलाई। दही क्यों डालेंगे, मलाई है, मलाई मलाई मलाई। देखो दही और मलाई का अंतर तो पता नहीं, ऐसे इतना स्पीड ऑफ वीडियो बनाया है ना, तो कैसे पता चलेगा कि दही है मलाई। मैं क्या करूं, इंस्टा पे 1.5 मिनट का ही लगता है तो। अब हमने पानी डाल के थोड़ा ग्रेवी बना लिया उसका, पहले तेल छोड़ा था फिर पानी डाला उसके अंदर। हाँ देखो पनीर डाल दिया और उसमें धनिया को फेंक फेंक के मारा। और ये वो कह रही है जो सिर्फ कढ़ाई में पनीर डाल के कढ़ाई पनीर दे दी थी, अब वो तो मैं थोड़ा स्टाइल मार रही थी। बन गया स्टाइल, बनाओ खाओ, हमें टैग जरूर करना।